नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेश गर्ग एक बार फिर से अपने इस वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एसआई की आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, एसआई का फर्स्ट पेपर जो हिंदी का था उसकी आंसर की आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जो भी प्रश्न के उत्तर हैं वो बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं। इसको आप स्वविवेक से ध्यान में लेंगे और जो विभाग के द्वारा जारी आंसर की है उसको ही सर्वमान्य माना जाए। तो दोस्तों, चलिए अब आंसर की हम शुरू करते हैं। देखिए सर, यहाँ पर प्रश्नों के जो क्रम हैं वो थोड़े उल्टे सीधे हो सकते हैं आपके प्रश्नों के, लेकिन आप प्रश्न के उत्तर से अपने प्रश्नों की मैच कर लीजिए। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो यहाँ पर ग जो है वो गजानन वो आएगा। इसमें दूसरा है, इसमें भाववाचक संज्ञा है तो यहाँ पर आएगा बचपन। बचपन भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना। यहाँ पर कन्नी काटना का मतलब गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला उत्तर सही होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान जिसे होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, तो चार नंबर वाला सही है। इसमें देशज शब्द हैं तो यहाँ पर आप देखिए, देशज शब्द हैं झोंपड़ी। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं तीन नंबर हैं, छात्र खिलखिलाकर हंस रहा था। इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो यहाँ पर आप देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। अब इसमें जो निराला है वो इन्वर्टेड कॉमास में दे रखा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। नौ दिन चले अढ़ाई कोस, लोकोक्ति का भावार्थ है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा समय लगाकर काम बहुत कम होना, काम करने की बहुत धीमी गति होना, ये वाला इसका हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर चतुरिणी जो है वो अशुद्ध है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर तक बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है। जी हाँ, हल पे प्रभाव पड़ रहा है। मोहन बाजार से फल खरीद कर ला रहा है, फल पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो ये यहाँ पर अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आएगा गलत, असूचि और लुप्त। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे है, वह विदुषी महिला है, ये यहाँ पर शुद्ध है। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? तो यहाँ पर जो है, लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण, ये सही नहीं लिखा गया है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो यहाँ पे आएगा सद नारी का जो संधि विच्छेद किया गया है, सद प्लस नारी, वो यहाँ पे गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, यहाँ पे है सुश्रुता। इनमें से कोई किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो यहाँ पे आएगा, आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है वो गलत दे रखा है। दृष्टिबाधिक को अपना नाम सोच विचार कर रखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता है। आँख के अंधे नाम नैसुक मतलब गुण, नाम के विपरीत गुण ये होता है। किसका विलोम युग्म सही है? तो यहाँ पे स्मरण और विस्मरण बिल्कुल सही है। इनमें से किस वाक्य में कृत्य वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इनमें से तद्भव शब्द हैं तो बजरंग जो है वो तद्भव शब्द हैं। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर हम नाक से सांस लेते हैं, यहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में स्थान वाचन क्रिया विशेषक है? तो यहाँ आप यहाँ बैठिए, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषक है। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये यहाँ पर गलत है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुलने का मतलब जो होता है कि रहस्य प्रकट हो जाना, कोई भेद खुल जाना। इनमें से किस प्रकार की संधि सही नहीं है? तो यहाँ पे जो अधि प्लस अधीन अध्याधीन की जो संधि है वो गलत दे रखी है। इनमें से किस प्रकार, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे संकट, षटक और सहज, ये सारे तत्सम शब्द हैं। किस वाक्य में क्रिया के सात्व बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा है, वह सदैव ही सत्य बोलता है। अब सदैव ही, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ विभेद है, तो यहाँ पर आभूषण और मरण पर्यंत ये आएगा।
इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर स्नेहिल में इल प्रत्यय नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मजदूर चाय पी रहा है, यहाँ पर सकर्मक है। बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, तो ये भी सकर्मक है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी सकर्मक है। बालक बहुत देर से रो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? भूत प्रेत में है, दाल भात में है, शुभ में है, शुभागमन में नहीं है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। डेप्यूटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। शिष्यमंडल है, प्रतिनियुक्ति है, प्रतिनिधि मंडल है, अस्थायी नियुक्ति इसका सही परिभाषित शब्द नहीं है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? दो नंबर, दरवाजा खुल गया अतः चोर घर में घुसा, ये यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ये हेतु है यहाँ पर भूतकाल का। और कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर सरोरुह, ये केश का पर्यायवाची नहीं है। हमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य हैं, तो यहाँ पर आएगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आएगा विशिक। किस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पढ़ेगा, इसमें पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग है। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये एकदम सरल वाक्य है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो रीत जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। डिस्चार्ज पिटिशन के लिए सही परिभाषित शब्द है, तो यहाँ पर आएगा उन्मोचन याचिका। किस वाक्य में कर्मकारक नहीं है? तो यहाँ पर आएगा बालक रोते रोते सो गया। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं हथनी, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर आएगा भीतर। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर है अवप्ति। और किस शब्द में अव्यविभाव समास नहीं है? तो यहाँ पर आएगा श्रम साध्य। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है ममता। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पर आएगा महात्माय। और 51 में इनमें से किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? तो क्रिया विशेषण शब्द जो है। 52 में है किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे परायण आएगा। दाल में कुछ काला होना आशंका या संदेह होना। 54 में किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो यहाँ पे आएगा प्रतीक्षा। और 55 में है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? तो यहाँ पे आएगा नाक का बाल होना। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पे अल्लाह को प्यारा होना। इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे आएगा अमल विमल। किस शब्द में सही परिभाषित शब्द हैं? तो यहाँ पे आएगा रिकमेंडेड, संस्तुत। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे है बालक पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर बालक पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग के ऊपर फर्क पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, अकर्मक नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर है महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। इनमें अधि अर्धविराम का सूचक कौन सा है? तो दो नंबर वाला अर्धविराम का है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पे महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? तो यहाँ पे अव्यवस्था में दो से अधिक हैं। घूमने फिरने वाले को क्या कहते हैं? घूमने फिरने वाले साधु को परिवाचक कहते हैं। किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द हैं? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है जेवेलिन ऑफेंडर, किशोर अपराधी, ये सही है। उसके बाद हैं किस वाक्य में कर्म कारक हैं? तो यहाँ पे आएगा लड़का पत्थर फेंकता है। किस शब्द की संधि गलत है? तो यहाँ पर आएगा नव प्लस उड़ा, नवउड़ा। किस विकल्प में क्रिया के पूर्ण बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आएगा अब बरसात रुक गई है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे है व्यंजित। 70 हैं वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, उसको बोलते हैं चंपू। इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। इसमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हैं, तो यहाँ पर आएगा दंपति। डिस्बर्जिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषित शब्द संवितरण प्राधिकरण होगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो आप भी आइएगा, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास हैं? तो यहाँ पर चतुरानंद में बहुव्रीहि समास है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये वाक्य सही है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्बी संधि कहते हैं। किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है? तो यहाँ पे डिस्क्रेपेंसी, विसंगति सही परिभाषित नहीं है। कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो मितव्ययी और अल्पव्ययी।
ये यहाँ पर गलत हैं। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? से अलग होना, तो यहाँ पर अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो यहाँ पर विज्ञापन जो है वो विदेशी नहीं है, स्वदेशी शब्द है। ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संप्रदायन कारक होगा, काके की रारेरी नानेनी। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे आपत्ति और विपत्ति जो है वो गलत है। किस शब्द की संधि सही है? तो यहाँ पे पितृ प्लस अनुमति, पितृअनुमति सही है। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। एक मुख्य वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है, तो ये 88 है। किस वाक्य में क्रिया की संभावना का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आएगा, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 सरोजनी। और हर समय दूसरों की कमियाँ ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द रहेगा, तो यहाँ पर आएगा छिंद्रान्वेषी। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं, तो अवहित्था। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मतलब बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पर आएगा स्वादिष्ट। इस किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? दूसरा, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। घंटा पहुँचा में स्कूल, यहाँ पे स्कूल है, फिर बस है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, इसमें सब विदेशी शब्द हैं। दूसरा वाला सही है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ये जो है दे है वो तद्भव नहीं है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? मन मना तुलसीकृत ईश्वर दत्त पदच्युत, यहाँ पे पदच्युत में करण तत्पुरुष नहीं है। अर्थभेद की दृष्टि से शमशुद्ध विवर्धक शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा अपत्य, अपथ्य ये है। दूसरा होगा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, व्योभ, नोम्ब और अंबर, इसमें सारे पर्यायवाची हैं। किस वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर आपका, ईश्वर सबका कल्याण करें। और इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर जो भलाई है वो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारी आंसर की खत्म होती है। दोस्तों इसमें से अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर गड़बड़ लगे तो आप ज़रूर से कमेंट करना, ताकि मैं अपने चैनल पर कमेंट करके सही उत्तर बता दूंगा। प्रयास किया है कि सारे उत्तर मैं आपको सही दे पाऊँ। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर कोई आंसर की लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। आज तक के लिए इतना ही, मैं कल्पेश गर्ग आज आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।